हेलो स्टूडेंट्स, हमारा फोनेटिक्स का नेक्स्ट पार्ट और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होता है, दैट इज सिलेबल डिवीजन। सिलेबल डिवीजन यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें पहले तो वर्ड देखना है, उसके बाद उस वर्ड को टुकड़े टुकड़े करना है। इसका मतलब यह है कि हमें उसके साउंड को पहचानना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है टीचर, तो जब आप इसको उस शब्द को बोलते हैं टीचर, तो जहां बोलते समय आप स्टॉप होते हो, एक हल्का सा स्टॉप जहां आता है, जैसे टीच अर, टीच के बाद एक हल्का सा स्टॉप टीच अर है ना, वहां पे आपको उसका डिवीजन करना है। तो इसका टीच और अर इस तरह से क्या हो जाएगा, एक डिवीजन हो जाएगा। बस यही करना है, हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा कितने डिवीजन हुए, तो हम लिख देंगे भाई हमारा यहाँ पे, क्योंकि हमको यहाँ पे जो डिवीजन दिखाई दे रहा है वो दो दिखाई दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, दो डिवीजन हुए हैं। तो हमें ये पता लगाना है कि नंबर ऑफ डिवीजन पहले तो पता कैसे चलता है, कहाँ से हम उसे डिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये तीन रूल बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। ये तीन रूल आपको अगर नहीं आते हैं है ना, तो बिल्कुल भी आप नहीं बना पाएंगे डिवीजन, या बनाएंगे तो गलती कर जाएंगे, आधा अधूरा ज्ञान लेके जाएंगे तो भी गलती कर जाएंगे। इसलिए बिल्कुल समझिए कि कौन कौन से तीन रूल है। नंबर एक रूल क्या कहता है, वो कहता है काउंट वॉवेल्स इन वर्ड। सबसे पहले तो जो वर्ड आपके पास आया है उसके वॉवेल काउंट कीजिए। जैसे देखिए टीचर में है ना, ई ए और ई, ये तीन वॉवेल आए थे है ना, कितने वॉवेल आए थे, तीन। लेकिन रूल टू क्या कहता है, इफ टू वॉवेल्स कम, अगर दो वॉवेल आते हैं इकट्ठे, काउंट देम वन है ना, वहां पे टुगेदर और लिखना चाहिए था मुझे, इफ टू वॉवेल्स कम टुगेदर, कि अगर दो वॉवेल इकट्ठे आते हैं, काउंट देम वन, तो हमें उससे एक एक काउंट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखिए टीचर में ई और ए इकट्ठे आए थे, दो वॉवेल थे, आपको इन्हें सिंगल काउंट करना चाहिए था और ई को अलग काउंट करना चाहिए था। तो कितने वॉवेल हैं, एक और दो, नंबर ऑफ डिवीजन हमारे दो ही होंगे और दो ही हुए हैं ठीक है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखें। और तीसरा रूल क्या कहता है, इफ अ वर्ड एंड्स विथ वॉवेल, अगर कोई शब्द वॉवेल से एंड होता है, डोंट काउंट लास्ट वन, तो उसे काउंट मत कीजिए, ये देखिए कैसे, ये वाला देखिए डिसिप्लिन, आई एक वॉवेल, आई दूसरा वॉवेल, आई तीसरा वॉवेल, ई चौथा वॉवेल, ई से एंड हो रहा है, वॉवेल से वर्ड एंड हो रहा है, हम इसको काउंट नहीं करेंगे। और हमारे जो नंबर ऑफ डिवीजन होंगे वो कितने होंगे, डिसिप्लिन में तीन। कौन कौन से, जहां बोलते समय स्टॉप लगे, जैसे डिसिप्लिन में डी पे स्टॉप आ रहा है, सी पे स्टॉप आ रहा है, और प्लिन में स्टॉप आ रहा है, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। इस तरह से नंबर ऑफ डिवीजन तीन होंगे और डिसिप्लिन हमको जहां बोलते समय स्टॉप लगेगा वहां उसको तोड़ देंगे। बहुत ही सिंपल होता है, बिल्कुल भी आप ये मत सोचिए कि हमको बहुत डिफरेंट या बहुत ही डिफिकल्ट चीज करना, बहुत ही ईजी होते हैं। प्रैक्टिस की जरूरत होगी, बिल्कुल प्रैक्टिस की जरूरत होगी, बुक से कीजिए, गाइड से कीजिए, या फिर जो आपको सजेस्टेड बुक्स आती हैं उनसे कीजिए, बहुत ही ईजी होते हैं। अब यहां देखिए सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट, अब यहां टीचर को आपने टुकड़े कर दिया, उसके तो आप हमेशा से टुकड़े करना चाहते थे, डिसिप्लिन के कर दिए, उसके तो आप हमेशा से टुकड़े करते आए हैं, प्रिंसिपल साहब बच गए हैं उनको भी कर देते हैं, तो प्रिंसिपल है ना, तो प्रिंसिपल वर्ड के टुकड़े करना है, वर्ड के टुकड़े करना है प्रिंसिपल के। देखिए गिने, काउंट, आई एक, आई दो, ए तीन, कितनी वॉवेल है, तीन वॉवेल है, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कितने आपके जो होना चाहिए वो तीन होना चाहिए। कौन कौन से, प्रिन, पहला वर्ड अपन प्रिन बोलते हैं, फिर सी पे स्टॉप आता है, फिर पल पे स्टॉप आता है, और ये तो हमने पता लगा ही लिया जब वॉवेल गिन के कि तीन डिवीजन होंगे। सब्जेक्ट में देखिए एक दो, एक दो, वैसे भी सब्जेक्ट बोलते सब सब्जेक्ट, नंबर ऑफ डिवीजन दो, बहुत इजी है ना। रिकॉग्निशन, एक दो तीन चार, दोनों को, दो वॉवेल इकट्ठे आए तो एक काउंट कीजिए है ना, एक दो तीन चार, री कॉग नी शन, री कॉग नी शन, कितने डिवीजन, चार।
एक्सपर्ट में पहला खुद, दूसरा ये कितने है? वॉवेल दो, नंबर ऑफ डिवीजन कितने होंगे? दो। एक्स बोलते समय ही एक्स पे ही एक स्टॉप आ जाता है, एक्सपर्ट एक्सपर्ट। एक्टिविटी है ना, एक वॉवेल, दो वॉवेल, तीन वॉवेल, कैसे होंगे? एक टी विटी, कितने डिवीजन? तीन डिवीजन। बिल्कुल आसान है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल्स पे चलते हैं और देखते हैं उनमें किस तरह से होंगे। आई होप इसको करने के बाद आपसे सिलेबल डिवीजन बहुत आसानी से बनने लगेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल्स के साथ आ गए हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से सिलेबल डिवीजन होना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है डिपार्टमेंट, क्या करना है? वॉवेल काउंट करना है, एक दो तीन, कितने वॉवेल? तीन वॉवेल। तो चलिए डी अलग, पार्ट अलग, मेंट अलग, नंबर ऑफ डिवीजन तीन, एक दो तीन चार, नंबर ऑफ डिवीजन चार आने वाले हैं, डे वे लोप मेंट, डेवेलपमेंट, चारों अलग हो गए, इजी। मैथमेटिक्स, एक दो तीन चार, नंबर ऑफ डिवीजन चार, मै थे मै टिक्स, इजी है। एक दो तीन चार पांच, पांच है ना, दो है तो भी एक ही लेना है। एग्जामिनेशन, ए ग्जा मी ने शन, नंबर ऑफ डिवीजन पांच, ए पे साउंड आ जाता ना, ए ग्जा मी ने शन, एग्जामिनेशन है ना। इन्वायरमेंटल, एक दो तीन चार पांच, अगेन नंबर ऑफ डिवीजन पांच, एन वाय रोन मैन टल, एनवायरमेंटल, इजी होते हैं ना। असाइमिलेशन, एक दो तीन चार पांच, दो वॉवेल साथ में आए, एक काउंट करना है, ए साय मी ले शन, नंबर ऑफ डिवीजन पांच, एक होगा ही नहीं, जिसमें एक ही वॉवेल आए उसका डिवीजन ही नहीं हो सकता। और नंबर जरूर बता देंगे कितने हैं, एक। गर्ल, सिंगल वॉवेल, डिवीजन पॉसिबल नहीं है, आंसर होगा एक। स्टडी, स्टडी, एक एक पॉसिबल नहीं है, डिवीजन नंबर ऑफ डिवीजन वन। ये बहुत सारे हमने एग्जांपल देखे हैं और इन सब की मदद से आप बिल्कुल रुकिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बिल्कुल एग्जाम में मदद मिले इसको करने में। और मैंने जैसा कि कहा, ये बहुत ही आसान होते हैं, बिल्कुल आप ना इनको तो बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे और आप एग्जाम में बिल्कुल सही बनाने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।